जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा बिजनेस विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम अपनी कंपनी के बिजनेस की भी बातें करें तो उनका जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस हमको देखने को मिलता है जो कि लगभग लगभग हर घर में यूज होने वाले उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हमारी उस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आने वाला था जो कि यहाँ पे आ चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारी जो कंपनी है उसने यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है दोस्तों, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का शेयर अगर आपके पास होगा तो गलती से भी एक भी शेयर यहाँ पे आप सेल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इनका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है वो सुपर डुपर रिजल्ट यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिल रहा है। सो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एक भी शेयर यहाँ पे मत बेचिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये हमारी जो कंपनी है जिसकी हम अभी आगे बातें करने वाले हैं, उसने अभी हाल ही में बोनस भी यहाँ पे आप लोगों को देते हुए देखने को हम मिल रही थी। सो ये बहुत ही शानदार कंपनी है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम इनके रिजल्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हम सीधा इनके रिजल्ट पर ही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड हमको मिला है वो एक फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हमको देखने को मिलती है जो कि रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फाइनल डिविडेंड मिला है दोस्तों, यानी कि यहाँ से अभी इस कंपनी को शेयर होल्डर्स की परमिशंस की अभी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जा करके ये एक रुपए का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फाइनल डिविडेंड का मतलब आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर अब हम सीधा रिजल्ट पर हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डाटा इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा वो मार्च 21 का डाटा देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे दिसंबर 20 एंड यहाँ पे मार्च 20 लास्ट ईयर मार्च 20 का डाटा आपको देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हम ये जो रिजल्ट देख रहे हैं वो स्टैंड लोन रिजल्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को मिला करके टोटल इनकम बनता है, उसी को हम सबसे पहले देखेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम देखें तो आप देख सकते हैं कि 9138 यहाँ पे आपको देखने को इस बार का मिल रहा है। उसी के साथ साथ लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 6994 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 5057 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सो ये रेवेन्यू देख करके दिल यहाँ पे खुश होते हुए हमको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं जुड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो तो शानदार हमको देखने को मिलने वाला, क्योंकि अगर रेवेन्यू की बातें करें तो वो क्वार्टर बेस एंड बेस दोनों ही बेस पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू हमको होते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो रुपीस इन मिलियंस में होने वाली है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सपेंसेस की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंसेस इस बार का हुआ है वो 7211 होते हुए हमको देखने को मिले, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 5603 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 4501। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस है वो भी हमको क्वार्टरली बेस एंड ईयरली बेस बढ़ते हुए हमको देखने को मिले, जो कि दोस्तों जायज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए हमको देखने को मिला। इस वजह से जो एक्सपेंसेस है वो भी जायज़ सी बात है, उसमें बढ़त आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब देखिए कि जो प्योर प्रॉफिट है तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि 1927 इस बार का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर का 1391 एंड लास्ट ईयर का बात करें तो 556। तो आप देखिए कि प्रॉफिट लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 4 गुना बढ़ते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टरली बेस में भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है
उसका जो प्रॉफिट है वो करीब करीब 50% बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रही, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि हमारी कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट है वो गजब की यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देखें तो आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 1403 हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1040 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो करीब 400 के आसपास यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो यहाँ से भी अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखिए लगभग ईयरली बेस पे 3 गुना तक हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे हम कह सकते हैं कि 50% से थोड़ा कम यहाँ पे हमको देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। एंड ओवरऑल इनका जो रिजल्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला है ये देखकर कि हम कह सकते हैं कि आराम से आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों जरूर होल्ड करें और एक भी शेयर यहाँ पे बेचने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही गजब का यहाँ पे आपको देखने को मिला है। एंड हाल ही में इस कंपनी ने बोनस भी आपको दिया था, तो कल क्या होगा परसों क्या होगा दोस्तों वो अलग का है, लेकिन यहां पे अगर बात करें इस कंपनी का रिजल्ट देख करके तो आप आराम से इस कंपनी को होल्ड करके यहां पे चल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर अर्निंग पर शेयर्स की भी यहां पर अगर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो इस बार का अर्निंग पर शेयर है वो 6.98 आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर 5.18 एंड लास्ट ईयर 1.96। तो आप ये भी देखिए कि अर्निंग पर शेयर भी सेम रिजल्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल रही है। सो जिस कंपनी का यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा वो था एस्ट्रल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि करीब 2.5% का यहाँ पे इस कंपनी में तेजी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अगर एक महीने का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आपको ऊपर ही जाती हुई देखने को मिल रही है। 6 मंथ की भी बातें करें तो भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो चार्ट है वो हमको अच्छा ही देखने को मिल रहा है एंड ऊपर की ओर जाती हुई देखने को हमको मिल रही है। उसी के साथ साथ 5 साल की भी अगर बात करें तो जिन लोगों ने 5 साल को भी इस कंपनी को होल्ड किया होगा आप देख सकते हैं कि 608% का प्रॉफिट इस कंपनी ने अपने 5 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी को खरीदा था एंड अभी तक होल्ड किया होगा तो उन लोगों को ये रिटर्न्स देते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हमारी कंपनी 32,341% का रिटर्न्स यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस मार्केट में हम लोग रिटर्न्स कमाने के लिए ही आए हैं एंड ये कंपनी आपको भर भर के रिटर्न्स देती है। बस काम ये करना है कि आप लोगों को पेशेंस रखना है एंड आप पेशेंस रखेंगे तो ये कंपनी आप देख सकते हैं कि करीब आप देखिए 14 ही साल में इस कंपनी ने 32,341% का रिटर्न्स आपको दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर मार्केट कैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 36.15 ट्रिलियन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स की भी अगर इस कंपनी की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और कर्जे की भी बातें करें तो कर्जा लगभग ना के बराबर ही आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलती है, करीब 90 करोड़ के आसपास ही केवल कर्जा है एंड लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रेवेन्यू भी देखेंगे तो गजब की रेवेन्यू यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। प्रॉफिट भी देखेंगे तो सेम रेवेन्यू के टाइप से आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी आपको यहां पर डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आज के डिलीवरी परसेंटेज की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो करीब 50% डिलीवरी यहाँ पे उठते हुए हमको देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर एस्ट्रल पॉली आपके पास है एस्ट्रल तो आप यहाँ पे आराम से इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। एक भी शेयर दोस्तों मत बेचिएगा, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत 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 शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिली है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।